वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम श्यामली दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जामनिकांत बीएड कॉलेज। आज मैं आप सभी को लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्य और महाराष्ट्र के लोक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं राजस्थान के लोक नृत्य क्या क्या है। राजस्थान के लोक नृत्य सबसे पहले है कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो सपेरा जाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में गजब का लोच और गति है जो दर्शकों को सम्मोहित करती है। यह नृत्य दो महिलाओं द्वारा किया जाता है, पुरुष केवल वाद्य बजाते हैं। कालबेलिया नृत्य करने वाली महिला बहुत घेरदार वाला काले रंग का घाघरा पहनती है जिस पर कसीदा होता है। कांच लगे होते हैं और इसी तरह का ओढ़ना और काचली कुर्ती होते हैं। नृत्य गणाएं सांप की तरह बल खाते हुए और फिरकनी की घूमते हुए प्रस्तुति देती है। इस नृत्य के दौरान नृत्य गणाओं द्वारा आंखों की पलक से अंगूठी उठाना, मुंह से पैसा उठाना, उल्टी चकरी खाना आदि कई प्रकार की कलावारियां दिखाई जाती है। इसका पीक हम दिखा रहे ये है कालबेलिया, जो काले रंग के घाघरा और पहनते हैं, जिसमें वो तरह तरह के अपना नृत्य करते हैं। अब आते हैं राजस्थान के लोक नृत्य के घूमर नृत्य में। नृत्य का सिरमौर घूमर राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। यह मांगलिक अवसरों, पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। स्त्री पुरुष घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। लहंगे के घेरे को घूम कहते हैं। इसमें ढोल, नगाड़ा और शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों को लचकदार संभालन प्रभावकारी होता है। ये घूमर नृत्य है जो इस तरह से लहंगा पहन के घूम घूम के ये नृत्य किया जाता है। थर्ड है तेहर ताली। रामदेवी जी द्वारा स्थापित कामरिया पंथ की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसमें 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहनी के पास तथा 2 मंजीरे हाथ में लेकर महिलाएं बैठकर नृत्य करती हैं। तेहा ताली नृत्य अब व्यावसायिक नृत्य बन चुका है। पाली का पादरला गांव इसका मुख्य केंद्र है। मांगीबाई व लक्ष्मण दास इसके प्रमुख कलाकार हैं। चैतारा मुख्य वाद्य यंत्र है। इस नृत्य का पीक है इस तरह से, इसमें बहुत सारे मंजीरा ये अपने हाथों में बांधे रहते हैं और इस तरह से वो नृत्य करते हैं। भवाई नृत्य राजस्थान के उदयपुर संभाग में अधिक प्रचलित है। इस नृत्य में घूंघट की हुई नर्तकियां मुख्य भूमिका निभाती हैं। नर्तकियां 7 अथवा 8 तांबे के घड़े सिर पर रखकर उनका संतुलन रखते हुए नृत्य करती है। भवाई नृत्य करने वाली नृत्यांगनाएं किसी गिलास के ऊपर अथवा तलवार की धार पर अपने पैर की तलुओं को टिकाकर झूलते हुए नृत्य करती है। अनूठी नृत्य अदायगी शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लय कार्य की विविधता इसके मुख्य विशेषताएं हैं। यह नृत्य तेज लय के साथ सिर पर 7-8 मटके रखकर किया जाता है। नृत्य के दौरान जमीन पर पड़ा रुमाल मुंह से उठाना, तलवार की धार, कांच के टुकड़ों पर और नुकीली कीलों पर नृत्य करना इस नृत्य की अनोखी विशेषता है। भवाई नृत्य में नए कौतूहल व सिरहन उत्पन्न करने वाले कारनामे होते हैं। भवाई नृत्य का यह पीक है जिसमें 8 घड़े हैं और इस तरह से महिलाएं इसको रख के तरह तरह के कारनामे करते हैं। ये भवाई नृत्य के पीक है। अब आते हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्य क्या क्या है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावणी है। यह महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। लावणी शब्द लावण्य शब्द से बना है जिसका अर्थ है सौंदर्य। महिलाएं अपने पारंपरिक परिधान में 9 बड़ी या 9 गज की साड़ी पहनती हैं। महिलाएं ढोलक की थाप पर या ढोल के समान वाद्य बजाती हैं। यह आकर्षक है कि कैसे महिलाएं इसे 9 गज की साड़ी को गले लगाकर नृत्य करती हैं। पहले के दिनों में यह नृत्य मराठा सेना के थके हुए सैनिकों के विश्राम के लिए किया जाता था। ये लावणी नृत्य है जिसमें 9 गज की साड़ी पहना जाता है और इस तरह से नृत्य किया जाता है। अब है महाराष्ट्र के लोक नृत्य तमाशा। यह महाराष्ट्र में किया जाने वाला नाटिका नृत्य है। ज्यादातर लोक नाटिका में पुरुष ही मुख्य
मुख्य भूमिका निभाते हैं, लेकिन तमाशा में मुख्य भूमिका महिलाएं ही निभाती है। यह बहुत ही सफल लोक नृत्य है। इसमें हारमोनियम, घुंघरू, मंजीरा आदि मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तमाशा का प्रस्तुतिकरण प्राय कोल्हाटी समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये महाराष्ट्र के तमाशा लोक नृत्य है, जिसमें ज्यादातर लावणी जैसी ड्रेस पहना जाता है, लेकिन इसको नाटक के द्वारा प्रस्तुति दी जाती है। आज हम राजस्थान के लोक नृत्य और महाराष्ट्र के लोक नृत्य के बारे में चर्चा की। थैंक यू।